No. We're not going there. There. Chalo. Bye. Hi everyone, Namaskar, Salaam, Satri Akal. Welcome back to Deep's All in One channel. I hope you all are doing really well. आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और व्लॉग के साथ और आज शेयर करूँगी आपके साथ एक सिंपल सा रूटीन किसी भी इवेंट या फेस्टिवल के बाद का. तो ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी फ्राइडे को और थर्सडे का करवा चौथ था. सर में दर्द काफ़ी हो गया था बट स्टिल सुबह जल्दी उठना था क्योंकि अदवी का स्कूल था और घर के काम तो खैर रुकते ही नहीं है. तो बस सुबह का सारा काम हो गया है. अवनी नैप ले रही है अपनी मॉर्निंग वाली और बस मैं इधर आई हूँ स्टेयर रूम में. लहंगा जो है वो रात को मैंने इसी तरह से खोल के छोड़ दिया था और सुबह को विकास ने इसके ऊपर स्टीम ऑन कर दिया था तो इससे लहंगा जो है वो बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है और जब ये अच्छे से ड्राई हो गया है तो अब मैं इसको रख रही हूँ. और इसका ये पूरा पाउच आता है और इसके साथ ना एक वेस्ट बेल्ट भी थी जो यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है. और साथ ही इसके ना डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न भी हैं, बहुत सारे कलर भी हैं. करवा चौथ व्लॉग में मुझे ध्यान नहीं रहा था दिखाना तो अब पैक कर रही थी, देन आई थॉट कि मैं शेयर कर दूँ. और प्लान तो ये था कि मैं अपनी रिंग सेरेमनी वाली साड़ी पहनूंगी बट साड़ी का जो बैग था वो पीछे रखा हुआ था और लहंगा जो था वो आगे रखा हुआ था. देन आई वॉज लाइक कि चलो इसको ही पहन लेती हूँ क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला इस बार करवा चौथ की तैयारी का. इसके बाद ज्वेलरी जो है मेरी वो भी मैं पैक करके रख दूंगी. ईवी के बर्थडे पार्टी वाले इयररिंग भी बाहर ही रखे हुए थे तो वो भी मैंने पैक कर दिए हैं. और ये वाला मेरा सेट है जो मैंने करवा चौथ पे पहना था और ये तकरीबन 13 साल पुराना होगा. सरोजनी नगर से मैंने लिया था दिल्ली और बहुत समेट के मैं अपनी चीज़ें रखती हूँ इसीलिए वो सालों साल अच्छे से रहती हैं. तो अब तक इसकी पैकेजिंग जो है वो जो कि दो है मेरे पास. और एक ये सेट मैंने निकाला था और इसके ऊपर ना हल्का सा रेड स्टोन था. देन आई थॉट कि ये अच्छा लगेगा लहंगे के साथ बट फिर बाद में रियलाइज़ किया कि लहंगे के ऊपर सारा सिल्वर वर्क है और ये गोल्डन में है तो ये अच्छा नहीं लगेगा. तो ये निकाला था बट एज इट इज़ ही छोड़ दिया था. तो अब बस इसको भी पैक करके और सारी चीज़ें जहाँ से बिलोंग करती हैं मैं वहाँ रख दूँगी. और आज ना हल्का हल्का सा जुकाम है, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है तो आवाज़ आपको थोड़ी बहुत चेंज लग सकती है. तो पिंस वगैरह जो थे वो भी सब बाहर ही रखे हुए थे तो वो सब मैंने समेट के रख दिए हैं. और ये जो स्टेयर रूम में जब स्टेयर्स ऊपर जाती हैं एटिक में तो यहाँ वॉल के अंदर काफ़ी सारा स्टोरेज है. तो जो ये नीचे वाला छोटा स्टोरेज है इसके अंदर मैं अपनी सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी और जो भी मेरी चूड़ियाँ होती हैं वो सब मैं यहाँ पर रखती हूँ. तो ये वॉल वाले स्टोरेज जो हैं ये बहुत काम देते हैं और काइंड ऑफ हिडन स्पेस है, पता भी नहीं आपको लगता है कि यहाँ पर है. और जो इसके ऊपर वाला है उसमें मैं अपनी सारी बेडिंग्स और कर्टेन्स एक्स्ट्रा जो हैं वो सारे के सारे रखती हूँ. तो भरी रहती हैं दोनों और सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं. तो चूड़ियाँ जो हैं मेरी जो मैंने लहंगे के साथ पहनी थी जो आप मेरे हाथों में देख ही रहे हैं, तो चूड़ियाँ तो खैर मैंने रात को नहीं बदली थी, नहीं उतारते हैं करवा चौथ वाले दिन, बट अभी मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि काम करने में इतनी सारी चूड़ियों में फिर दिक्कत होती है. तो मैंने यहाँ पे दो ये कड़े डाल ली हैं और बीच में चूड़ियाँ डाल ली हैं और जो मेरी करवा चौथ वाली हैं इनको मैं पैक करके एज इट इज़ रख दूंगी, आगे किसी और फेस्टिवल पे पहन लूँगी. और ये वाली चूड़ियाँ काइंड ऑफ चूड़ा सेट है, ये मोनिका दीदी मेरे लिए लेकर आई थी जब अभी वो आई थी गर्मियों में हमसे मिलने के लिए. तो उसी की पैकेजिंग है ये, इस तरह से कार्डबोर्ड का एक रोल है और इसके ऊपर मैं ये चूड़ियाँ इस तरह से लगा दूंगी और उसी का ही ये पॉली रैप है और उसमें एज इट इज़ ऐसे ही पैक कर दूंगी जैसे कि ये आई थी. तो हमेशा चीज़ों को बहुत ही संभाल के रखती हूँ क्योंकि हर चीज़ के साथ मेरे बहुत सारे इमोशन, बहुत सारी यादें, प्यार जुड़ा होता है. तो बहुत संभाल के रखती हूँ और सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी की ऐसी ही रहती हैं. और कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरे पास, कुछ ईयरिंग्स ऐसे हैं जो आई थिंक 20 साल पुराने हैं, जो मैं छोटी थी कभी देवबंद बाजार से खरीदे थे. तो चलिए वो सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं. इसके बाद बारी आती है बिछवे. मैंने दो पहने थे ये टोरिंग्स और दो पहन के फिर शूज़ पहनने में या फिर वैलीज पहनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि अदवी का भी पिक एंड ड्रॉप होता है स्कूल का, तो इसीलिए बस एक एक मैं निकाल दूंगी और एक मैं पहने रखूंगी. पायल भी मैं पहने रखूंगी, वो फिर दिवाली के बाद ही उतारती हूँ. तो हमेशा यही होता है कि
करवा चौथ पे थोड़ा सा सजना धजना शुरू होता है और उसके बाद वो सारी चीजें दिवाली तक कंटिन्यू रहती हैं। बट दो टोरिंग पहन के जो है वो बाहर नहीं जाया जाता है, जूतों में दिक्कत होती है। और बस ये वो वाली थे टोरिंग्स जो मम्मी ने मुझे दिए थे इस बार छुचक में, जो मम्मी ने भिजवाए थे, तो बस उनको भी मैंने रख दिया है। और बस अब है लॉन्ड्री का काम और मैं जा रही हूँ अभी वॉशरूम में। लॉन्ड्री बास्केट जो है वो दुनिया भर की भरी हुई है। ये जो पूरा हफ्ता गया है पार्टी के बाद का, इसमें तो घर की जो बेडिंग होती है या कुशन होते हैं, डुवेज इतनी सारी यूज हुई थी, ब्लैंकेट थे, कुशन कवर्स थे और सोफा के कवर थे, तो यू नो इन्हीं चीज़ों को अरेंज करने में, इन्हीं चीज़ों को करने में ही पूरा हफ्ता मेरा निकल गया। तो जो घर की बेसिक लॉन्ड्री होती है वो हो ही नहीं पाई थी और पूरा लॉन्ड्री हैम्पर जो है वो भरा हुआ था। तो बस यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं इनको मैं सेग्रीगेट कर लूँगी, लाइट कलर से एक साथ कर लूँगी, वाइट एक साथ कर लूँगी और जो ब्लैक एंड ब्लू होते हैं उनको मैं एक साथ कर लूँगी, ताकि इन तीनों की मैं अलग अलग लॉन्ड्री कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने ये तीन पाइल बना ली हैं और अब अवनी के कपड़े भी मैंने अपने साथ ही धोने शुरू कर दिए हैं। अभी एक साल तक उसके कपड़े जो है वो हम अलग धुलते थे। तो सबसे पहले जो बड़े वाला पाइल है उसको मैं वॉश कर दूंगी। हालांकि एक लोड ऑलरेडी वॉशिंग मशीन में है अभी, वो एक दो ब्लैंकेट जैसे थ्रो ब्लैंकेट वगैरह होते हैं वो उनका डला हुआ है। और बस यहाँ पे मैं आई ही थी बास्केट लेके कि जो कपड़े धुल गए हैं उनको निकाल लूं, और मेरे पीछे पीछे जो है वो अवनी भी आ गई है। आज वो बहुत ही जल्दी उठ गई और विकास नीचे आ रहे थे तो उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी होगी कॉट में और बस वो उसको लेकर आ गए। एंड आई वाज लाइक कि मेरा तो आधा काम भी नहीं हुआ और आप उठ के आ गई, क्योंकि इतना भागती है ना अभी ये चारों तरफ, यहाँ तोड़ फोड़ मचाना, वहाँ तोड़ फोड़ मचाना, तो मेरे जो काम होते हैं वो बीच में ही रह जाते हैं। और आज का जो स्ट्रगल है वो मैं आपके साथ शेयर करने ही वाली हूँ कि किस तरह से मैं इसके साथ काम करती हूँ। और कैमरा देख के बस लड़की की स्माइल जो है वो रुकती नहीं है और उसको ये होता है कि बस किसी तरह से हाथ में ले लो, तो वो यहाँ पे हाई कर रही है। और वो नहीं, एक्चुअली विकास हाई कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, बट हाँ वो अपनी किसी और धुन में ही है और उसका बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा, बस वो देखे जा रही है। उसको बस ये था कि बाहर लेके चलो। तो यहाँ पे स्टैंड पे कुछ कपड़े जो हैं वो डले हुए थे, जैसे कि मैंने बताया कि रजाई के कवर वगैरह बहुत सारे थे तो वो सूखे हुए थे, वो मैंने निकाले, उनको अभी फोल्ड करना है। और ये है प्ले जिम ईवी का, ये मैंने निकाला था कि इसको जो है वो पीछे वाले रूम में रख देंगे क्योंकि अभी ये इससे खेलती नहीं। पूजा से पूछ लूंगी अगर उसको चाहिए होगा तो, बट आई थिंक अयाना के पास है, बट आई आस्क। और आज ईवी जो है वो प्ले जिम के साथ ही खेल रही थी बैठ के। फिर थोड़ी देर बाद मैडम जो है वो किचन में आ गई और खिलौने हो जाते हैं एक तरफ और जो उल्टी सीधे चीजें होती हैं उनसे खेलना शुरू करते हैं। ये कुछ हैंगर्स वगैरह थे जो एक्स्ट्रा निकले थे, जैसे कि अभी ईवी के बर्थडे गिफ्ट पे भी उसकी एक दो ड्रेसेस आई हैं तो वो मैंने हैंग कर दी हैं और जो एक्स्ट्रा हैंगर थे वो निकाल दिए थे, तो वो उन्हीं से खेल रही थी। और आज जो है क्योंकि वो जब सिर में दर्द होता है ना तो हैंगओवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मेरा आज ब्रेकफास्ट स्किप हो गया था, सुबह बस चाय ही ली थी। बट अब जो है वो हल्की सी भूख मुझे लगने लगी थी तो हलवा रखा हुआ था रात सिर्फ फास्ट खोलने के लिए ही, बस एक चम्मच खाया था, फिर मैंने खाया नहीं था खाने के साथ। तो साहब ने भी सुबह जो है वो हलवा और दूध लिया था, काइंड ऑफ यही उनका ब्रेकफास्ट था, टोस्ट ले लिया था साथ में, तो बस हलवा जो है वही मैं यहाँ पे गरम कर रही हूँ और थोड़ा सा हलवा खाऊंगी, थोड़ी सी एनर्जी आएगी और ईवी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। तो वो यही पीछे किचन में मंडराती रहती है मेरे साथ, ये शॉपिंग बैग भी रखा हुआ था कल ही साहब लेकर आए थे वापस आते हुए, करवा चौथ वाले दिन मैंने बताया था कि वो बाहर गए थे तो आलू प्याज लाए थे, तो वो एज इट इज रखा हुआ था बैग में, क्योंकि जब त्यौहार होता है ना तो कुछ भी एक्स्ट्रा काम हो ही नहीं पाता है, तो ये भी मुझे रखने हैं। और इधर जो है वो हलवा गर्म होने लग रहा है, साथ साथ जो है वो ईवी की निगरानी बहुत जरूरी होती है, जब तक मैं कुछ एक काम करती हूँ कैबिनेट से सामान जो है वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं। आजकल जितने भी सामान है मेरे घर में उनको भी पैर लग गए हैं, जैसे कि ईवी को लग गए हैं इधर उधर जाने के। तो हलवा जो है वो बड़ा ही टेस्टी बना था और बहुत ही क्विकली बनाया था ये मैंने करवा चौथ वाले दिन, सिरप भी मैंने अलग से नहीं पकाया था, बस एज इट इज ही पानी डाल के बना दिया था।
और बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ सोफा पे बैठ के इंजॉय करने के हलवा आराम से खाऊंगी, बट कहाँ इंजॉय होता है। तो ईवी भी यहीं आकर बैठ गई है और मुझे लगा कि वो खाए शायद मेरे साथ, तो उसको मैंने पहले इस तरह से फेस बना बना के कि बड़ा टेस्टी है खिलाया, देन नो उसका भी आप फेस देखना, नो नो नो, तो उसको नो बोलना बहुत अच्छे से आ गया है, तो वो बड़े आराम से हर चीज को नो बोलती रहती है। और अब बस मैं कपड़े फोल्ड करने आई ही थी और ईवी जो है वो सारे दरवाजे खोलने लगी है। यहाँ के दरवाजों में लॉक तो होते नहीं, लाइक जो मेन गेट होते हैं बस उन्हीं में लॉक होते हैं, जो इंटरनल डोर्स होते हैं उनमें नहीं होता है, तो ये बहुत आराम से खोल लेती है और कभी इधर भाग जाती है, कई बार स्टेयर्स पे चढ़ जाती है जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया। तो विकास सोच रहे हैं कि चेन लगा दें, पर चेन का भी ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हाथ कटवा ले, तो हम लोग कोई सोल्यूशन ढूंढ ही रहे हैं कि दरवाजों का कैसे करें। चेयर्स कई बार हम लोग लगा देते हैं सामने, बट वो चेयर्स भी सरका लेती है, और अभी बस मैं दरवाजे के आगे बिल्कुल ऐसे खड़ी हुई हूँ कि वो ना निकल पाए, और उसको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी कि मम्मा मुझे जाने नहीं दे रही है, तो वो चिल्ला रही थी बीच बीच में आके कि मुझे जाने दो। तो किचन में जाती है तो सामने जो वो रबर प्लांट रखा हुआ है तो उसकी मिट्टी उसको बिखेरनी होती है, और जो उसकी बॉटल्स की बास्केट है वो उसमें से बॉटल्स उसको बाहर रखनी होती हैं, तो हर शेल्फ में हर कैबिनेट में उसका कुछ ना कुछ है जो उसको करना ही होता है। अवन के ऊपर जो है वो मैं टॉवल वगैरह रखती हूँ तो वो टॉवल निकाल के बाहर फेंक देगी, दूसरी तरफ जाएगी तो उधर स्टेयर्स पे चढ़ जाएगी, तो आतंक मचाया हुआ है लड़की ने, और बस मैं इसी के पीछे भागती रहती हूँ सारा दिन। वेदर जो है वो आज का अच्छा था, हवा तो काफी तेज चल रही थी, तूफान है यहाँ पे पिछले 3-4 दिन से, बट धूप अच्छी निकली हुई थी और टेम्परेचर कुछ बहुत ज्यादा कम नहीं था, इट वॉज मैनेजेबल। तो जो कपड़े धुले थे मैंने बताया था कि एक लोड फ्रेशन अप के लिए मैंने डाला हुआ है कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह का, तो वो धुल गया था, एंड आई वॉज थिंकिंग कि चलो इसको बाहर ही डाल देती हूँ, थोड़ी सी हवा जो है वो तो निकल ही जाएगी। हालांकि सिर्फ 1 घंटे की ही धूप लग पाई थी, उसके बाद बादल घिराए थे और बहुत तेज तेज बारिश हुई थी, और उसके 15 मिनट बाद जो है वो फिर दोबारा से धूप निकल आई थी। तो यहाँ पे वेदर फोरकास्ट एक्चुअली काम करती ही नहीं है, कब 2 मिनट में मौसम यहाँ पलटा मार जाए कुछ पता नहीं लगता, और हवा से आपको अंदाजा होगा कि कितनी तेज यहाँ पे हवा चल रही है और कितना तूफान आया हुआ है। और बस अभी विकास जो है वो नीचे आए थे थोड़ी देर के लिए, एंड आई वॉज क्विकली के फटाफट फटाफट जो है वो अपना काम निपटा दूं, तो यहाँ पे बस उन्हीं से बात हो रही है, और मैं उनसे कह रही थी कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप मेरे कैमरा के सामने आ रहे हो, तो वो आके हाय बोल रहे थे आप लोगों को। तो ये मेरे विकर बास्केट है, इनमें मैंने पोटेटोज और अनियन जो है वो रख दिए हैं, और विकास बोल रहे थे कि उनकी मीटिंग है फिर लंच टाइम पे, तो उनका खाना मैं अभी कर दूं। आज लंच में मुझे कुछ नहीं बनाना था, तो आज लग्जरी थी मेरे लिए क्योंकि रात काफी बन गया था, और हमेशा जब भी कुछ इस तरह से स्पेशल होता है तो मैं एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ कि एक टाइम का और काम चल जाए, क्योंकि बच्चों के साथ एवरी टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता और बहुत सारी और भी चीज़ें करनी होती हैं, तो इसी तरह से मैं अपना काम जो है वो थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेती हूँ। तो पूरियाँ भी रखी हुई हैं, आलू की सब्जी बनाई थी मैंने, आलू साग, तो वो भी रखा हुआ है, तो बस यही विकास को मैं गर्म करके यहाँ पे दे दूंगी। बच्चों के लिए जो है वो मैं भात बनाने वाली हूँ आज, भात इज काइंड ऑफ राइस बट थोड़ा सा मशी साइड पे, ज्यादा पानी डाल के, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। अद्वी इज बिग फैन ऑफ भात, उसको बहुत टेस्टी लगता है, बस उसमें घी और हल्का सा सॉल्ट होता है, अपने आप में एक होलसम मील है। तो बस विकास को मैंने लंच दे दिया था और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, फिर अद्वी स्कूल से आई, उसका लंच, सारी चीजें, और अद्वी के आने के बाद बहुत बिजी हो जाता है, और अभी जो है ये शाम की चाय हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, और आज की जो चाय है वो साहब ने बनाई है, साथ में है ये नवरत्न नमकीन और कुछ बिस्किट्स हैं जिनकी चोरी जो है वो आके बार बार अदवी किए जा रही है, और उसने अपने दूध के साथ ले लिया था अपना कोटा, बट स्टिल वो हमारे साथ भी लगी हुई है, और ये है मेरी थायराइड की मेडिसिन, आज ही जो है वो डिलीवर हुई है, तो 150 mcg मैं लेती हूँ, और 50 mcg की नहीं थी तो 25 25 के दो पैकेट जो है वो आए हैं।
तो खैर चाय हो गई है, उसके बाद क्विकली मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं बर्तन लगा रही हूँ डिश वॉशर में, क्योंकि आज इवनिंग नैप जब ईवी ने ली थी तो मैं उसके साथ लेट गई थी क्योंकि भारीपन सा था ही सर में, और फिर रात को मुझे जागना होता है अपने काम के लिए तो फिर मेरी नींद पूरी नहीं होती, तो आजकल मैंने इवनिंग नैप ईवी के साथ लेना शुरू कर दिया है ताकि इवनिंग में थोड़ी सी और एनर्जी मेरे साथ रहे और मैं रात को भी काम कर पाऊँ। और कुछ लोग बोलते हैं कि दीपिका यहाँ पे हाउस हेल्प नहीं मिलती है क्या, तो यू नो मिलती तो है, बट वही है कि चार्जेस गवर्नमेंट के होते हैं और वो बहुत हाई होते हैं और एक मिनिमम ड्यूरेशन होती है कि इतने टाइम के लिए आपको पर डे किसी को बुलाना ही बुलाना है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बट यू नो जैसे कि डिश वॉशर है तो ये हाउस हेल्प ही है मेरे लिए कि बर्तन जो है वो डिश वॉशर ने मांझ दिए, वैक्यूम है ठीक है उसे लेके मुझे चलना पड़ता है बट मुझे झुक के प्रेशर लगा के जो है वो झाड़ू नहीं लगानी पड़ती, स्टीम मोप है मुझे झुक के बैठ के पोछा नहीं लगाना होता है, स्टीम मोप लगा देते हैं बस मुझे उसे लेके चारों तरफ घूमना होता है। तो दीज आर काइंड ऑफ हाउस हेल्प, तो एक बार इन्वेस्ट कर लो और फिर ये चीजें हेल्प करती जाती हैं, जैसे कि वॉशर है, ड्रायर है, ड्रायर में कपड़े जो है वो आप डाल दें तो आपको बाहर फैलाने का झंझट जो है वो खत्म हो जाता है, ड्रायर में जो है वो कपड़े सूख जाते हैं। तो मशीनों का जमाना है आजकल और यही हाउस हेल्प है और इसी वजह से शायद सारी चीजें हो जाती है। तो इट्स नॉट लाइक जैसे कि आप लोग कॉमेंट करते हो कि दीपिका यू आर सुपर वूमेन, तो ऐसा नहीं है, बहुत मशीनें हैं चारों तरफ मेरे और उनके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, उनसे काम लेती हूँ और इसीलिए सारी चीजें जो है वो आसानी से हो जाती हैं। आई एम जस्ट लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बींग, बस चीजें जो है वो थोड़ी सी मैनेज कर लेती हूँ। और ईवी ने जो है फाइनली आप लोगों को यहाँ पे हाई बोल ही दिया है और बस अब मैं यहाँ पे डिनर की ही तैयारी कर रही हूँ, तो अब चारों तरफ हाई चल रहा है, उधर पापा आए हैं, पापा को भी किया जा रहा है, आप लोगों को भी किया जा रहा है और अब जो है वो उतरेगी गोद में से और बस पूरे घर में वो हाई बाय करती हुई ही घूमती रहेगी। तो चलिए मूव करते हैं डिनर की तरफ और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बनाने वाली हूँ। त्योहार के बाद घर को समेटना, आउटफिट समेटना, ये सारी चीजें तो होती हैं, साथ ही एक सिंपल सात्विक सा खाना खाने का भी मन करता है। तो कैबेज थी मेरे पास, ये मैंने श्रेड करके रख ली थी और इसकी ही मैं आज एक सब्जी बनाने वाली हूँ जो बहुत ही क्विक एंड ईजी है। फ्रिज में जो है वो 4-5 दिन तक आप इसको रख के खा सकते हैं, इसको आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में यूज कर सकते हैं, आप इसको रायता बना सकते हैं, लाइक दही में मिक्स कर सकते हैं और आप इसको सैंडविच में कर सकते हैं, इसको एज अ साइड ले सकते हैं, एज इट इज भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने अपना ये स्टोनवेयर लिया है, इसमें डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल और उसके बाद हींग ऐड करा है, साथ ही मैंने इसके अंदर राई डाल दी है और करी पत्ता डाला है, फ्रेश हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। और राई को बस यहाँ पे हम अच्छे से क्रैकल होने देंगे और इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। तो थोड़ी सी तीखी मैं ये वाली सब्जी बना रही हूँ और जो हरी मिर्चें हैं उनको मैंने लेंथ वाइज कट किया है, तो इससे जो बीज होता है ना वो थोड़ा सा भुन जाता है, हल्का सा जो इसका तीखापन होता है वो कम हो जाता है और बहुत ही अच्छा फ्राइड टेस्ट आता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने अनियन ऐड कर दिए, इनको भी मैंने लेंथ वाइज ही कट कर लिया था और अनियन को बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, रेड चिली यहाँ पे नहीं डालेंगे क्योंकि इस सब्जी का जो है वो कलर येलो ही होता है, काइंड ऑफ ऑरेंज नहीं होता है, और फिर हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा हैं तो वो तीखापन भी बैलेंस हो जाता है। और बस यहाँ पे अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कैबेज जो कि मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी, और कैबेज जैसे ही आप डालते हो या फिर स्पिनच आप किसी भी सब्जी में डालते हो तो वो एकदम से बहुत भरा भरा लगता है लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो श्रिंक हो जाता है, तो अब मैं इसको इसी तरह से बस कवर करके छोड़ दूंगी क्योंकि अभी पैन में इतनी जगह ही नहीं थी कि मैं इसको अच्छे से हिला पाऊँ, तो इसको कवर करके ऐसे ही छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि थोड़ा नीचे चली गई, तो अब इट इज़ मैनेजेबल, थोड़ा सा जो इसका थोड़ी सी स्टिफनेस है वो भी चली जाती है और ये आराम से आप इसको मिक्स कर पाते हो। और बस यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी टेस्ट के हिसाब से और अब इसको हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे और बहुत ही टेस्टी सी ये कैबेज फ्राई की सब्जी तैयार होती है जो बहुत ही वर्सेटाइल है, आप इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो
कैबेज फ्राई हमारी डन होने लग रही है और यहाँ पे मैं सिंपल सी दाल बनाने वाली हूँ। तो प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल डाला है और उसमें फिर मैंने हींग ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने कलौंजी डाली है एक चम्मच और क्वार्टर टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर जीरा ऐड करा है। इसको अच्छे से हम यहाँ पे भूनेंगे और उसके बाद नॉर्मल जो सूखे मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ये हम ऐड करेंगे और इसको हल्का सा ही हम यहाँ पे सौते करेंगे। और इसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब ऐड कर दी है, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने ये रेडिश डाली है, आपके पास नॉर्मल मूली हो लंबे वाली वाइट जो होती है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही जो मूंग की दाल होती है वो मैंने 10 मिनट के लिए सोक करके रख दी थी और वो मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दी है। रेडिश और मूंग की दाल जो है वो बहुत ही टेस्टी बनती है, बट मैंने कम ही डाली है क्योंकि अद्वी इज नॉट बिग फैन ऑफ दिस वन, वो सिर्फ दाल ही खाती है। और ईवी को भी आज मैं यही दाल खिलाने वाली हूँ, तो पहली बार मैं इस तरह सा थोड़ा सा इस तरह से तड़के वाली स्पाइस लेवल वाली उसके साथ ट्राई करने वाली हूँ। साल भर की हो गई है, शी कैन ईट एवरीथिंग नाउ, तो धीरे धीरे चीजें जो हैं वो मैं उसको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। और बस सॉल्ट डाल के और जितना पानी चाहिए था दाल में वो मैंने डाल दिया है और दाल हमारी होने वाली है डन। 2-3 मिनट में ही ये हो जाती है क्योंकि बहुत ही छोटा सा इसका ग्रेन होता है। और इधर जो हमारी कैबेज फ्राई है ये भी डन हो गई थी, इसमें से थोड़ा सा पानी रिलीज हुआ था तो फिर मैंने इसको खुला ही पका लिया यहाँ पे। और अब पानी जो है वो बिल्कुल इसका सूख गया है और कैबेज जो है वो अच्छे से गल गई है। और आप चाहें तो इसको और भी क्रंची रख सकते हैं, तो आप इसको थोड़ी देर पहले जो है वो इसकी आंच बंद कर दें या फिर आप इसको खुला ही पकाएं। तो बस यहाँ पे दाल और सब्जी जो है वो, सब्जी तो डन हो ही गई है, दाल में जो है वो विसल आने वाली है और यहाँ पे बस मैं आटा बनने के लिए रख दूंगी। सो लुक, यहाँ पे भी मशीन है आटा बनाने के लिए भी, तो इसीलिए जो है वो काम हो जाते हैं। और हम लेडीज के लिए ना किचन गैजेट्स आर सो हेल्पफुल। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो मेरी पॉकेट मनी होती है या जो कुछ भी मैं सेव करती हूँ या फिर मुझे किसी भी नेक शगुन पे, जैसे कि अभी करवा चौथ में विकास ने मेरी थाली पे पैसे रखे, वो कभी भी खाली थाली मुझे नहीं देते हैं, तो मैं वो पैसे सेव करके तो उनसे कुछ ना कुछ मैं किचन के लिए ले लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि किचन में मेरी हेल्प हो जाती है, घर का कोई भी ऐसी चीज ले लेती हूँ जिससे मेरे काम में हेल्प हो, तो आई डू लाइक दैट। और आई थिंक सभी लेडीज जो है वो इसी तरह से करती होंगी। तो एक एक छोटा छोटा गैजेट जो है वो खरीद के और किचन जो है घर को जो है वो बनाए, तो एक एक तिनका करके पूरा घोंसला तैयार होता है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हमने ये सारी मशीनें खरीद ली हैं और सब कुछ जो है वो हमने कर लिया है, बट धीरे धीरे करके जो है वो चीजें मैनेज हो आती हैं। और हमारी तो खैर 11 साल की पूरी ये मेहनत है ही और सभी लोग इसी तरह से करते हैं और इसी तरह से करना भी चाहिए। एकदम से तो किसी की लॉटरी नहीं लगती ना कि आप सारी चीजें एकदम से ले लें। डिशवॉशर जो है वो अब जाके घर में आया है, इससे पहले कितनी भी बड़ी पार्टी होती थी हमेशा हाथ से ही मांझ के रखती थी। चलिए मूव करते हैं अब यहाँ चपातियों की तरफ। तो यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ और यहाँ पे आपको पत्थर का जो है वो चकला दिखाई दे रहा होगा, तो इट इज न्यू एडिशन इन माय किचन और ये मैंने नहीं खरीदा है, ये मेरी फ्रेंड प्रीति जो है वो मेरे लिए लेकर आई थी। एक बार बातों में डिस्कस हुआ कि मेरा पत्थर का चकला लेने का बड़ा मन है बट हाथ बड़ी प्रॉब्लम करता है, कहीं ऐसा ना हो कि छूट के गिर जाए और फिर इंडिया से लाने में भी जो है वो बहुत वेट हो जाएगा। तो उन्होंने वो बात याद रखी और वो मेरे लिए जो अब आई थी ईवी बर्थडे पे, वो मेरे लिए चकला लेकर आई। सो थैंक यू सो मच प्रीति, थैंक यू। हाँ, मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा बट आई विल ट्राई कि हाँ मैं इसको ना तोड़ूं और ये मेरे हाथ से ना गिरे। चलिए अब यहाँ पे दाल जो है वो हमारी हो गई थी, इसमें बस मैंने थोड़ा सा गरम मसाला मिला दिया है और यहाँ पे हमारी डिनर प्लेट हो गई है रेडी। और काफ़ी टाइम बाद इस तरह से नॉर्मल डे पे डिनर में मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं, अदरवाइज लंच में ही बना के रख लेती हूँ मैं, शाम को सिर्फ फुल्का या फिर राइस का ही काम रह जाता है। तो यहाँ पे है बड़ी टेस्टी सी दाल, कैबेज फ्राई, मिर्च का अचार और साथ में रोटी। और बस अब सीधा जंप किया है नाइट रूटीन, किचन जो है वो अच्छे से यहाँ पे क्लीन हो गई है और साथ ही अब मैं दूध गर्म कर रही हूँ दही जमाने के लिए। और साहब के हाथ में कैमरा है फिलहाल यहाँ पे और वो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो दूध की जो कैन होती हैं ये बहुत सवाल आते हैं कि आप कैन में क्यों रखते हो, बाल के क्यों नहीं रखते हो। तो ये जो दूध होता है ये ऑलरेडी उबला हुआ प्रोसेस्ड मिल्क होता है, तो ये कैन के अंदर बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, इसको उबाल के रखने की
की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए आपको मेरे फ्रिज के अंदर बड़े बड़े भगोने पतीले नहीं दिखाई देते हैं, दूध वाले कैन जो है वही साइड में दिखाई देती है और ये कैन के अंदर बिल्कुल सही रहता है। तो बस दही जिसका मुझे कल्चर लगाना है वो मैंने रख दिए निकाल के, दूध जो है वो गर्म कर दिया है और फाइनल टास्क ऑफ द डे वैक्यूम। दिन में दो बार तो वैक्यूम होता ही होता है, सुबह को और शाम को, और बाकी दिन में भी उठा ही रहता है क्योंकि अवनि जो है कभी यहाँ कुछ गिराती है, कभी वहाँ कुछ गिराती है और कई बार कुछ चीज़ें गिरी होती है तो वो कुछ भी उठा के फिर मुँह में डाल लेती है। छोटा बच्चा है उसको नहीं पता, उसके सामने तो सांप मकड़ी कुछ भी पड़ा होगा वो उसको भी उठा के मुँह में डाल लेगी। तो हालांकि होती नहीं है थैंक गॉड ये चीज़ें यहाँ पे। और बस वैक्यूम करते करते मुझे ये दिखाई दिया आर्ट पीस, ये मेरी अदवी ने बनाया है और ये ऑयल कलर्स जो होते हैं ना उनसे बनाया है एंड इट इज सो गुड, इट इज सच अ गुड आर्ट पीस। यू नो समटाइम आई फील के कितनी अच्छी ड्राइंग है इसकी। तो ये मुझे फ्रेम कराना है तो ये यहीं सामने मैंने रखा हुआ है कि याद रहेगा जब भी विकास जाएंगे नेक्स्ट टाइम शॉपिंग के लिए। तो बस अब वैक्यूम करके थोड़ी देर में 5-10 मिनट यही सोफे पे बैठूंगी, थोड़ा सा अपना फोन स्क्रॉल करूंगी और दूध ठंडा हो जाएगा तब तक फिर मैं दही जमा के जाऊंगी ऊपर। अवनि को जो है विकास ने ऑलरेडी सुला दिया है और फिर मैं अपना जो है वो काम करूंगी और लगभग 12-1 बजे तक मैं फिर सोने के लिए जाऊंगी। तो बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज का ये रूटीन पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। Thank you so much for watching. Take care and bye-bye.